नमस्कार साथियों, गुरुकुल धाम में हिंदी की कक्षा में पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन और सत्कार कर रहा हूँ। आशा कर रहा हूँ आप दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं और बड़े भाव से आप हिंदी विषय का आनंद और मजा ले रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। भावी थानेदार साहब, आप सभी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, यही मैं आशा करता हूँ, यही मैं दुआ करता हूँ। व्यंजन संधि में हम चल रहे थे। अपने आप में एक बहुत कठिन और क्लिष्ट विषय है, लेकिन फिर भी उसको सरल बनाने का प्रयास निरंतर मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो आशा करूंगा कि आपको जो आपने नियम मुझसे पढ़े व्यंजन संधि के संबंध में, वो आपको समझ आए होंगे। और आगे भी मैं आशा कर रहा हूं कि इतनी सरलता से आपको बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए, चार नियम हमने पढ़ लिए थे, आज पांचवा जो नियम है उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। ऊपर मैं लिख रहा हूं व्यंजन, ऊपर मैं लिख रहा हूं व्यंजन, व्यंजन संधि। ठीक है, थोड़ा सा पेन पेन की थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा वो सही से दिख जाए। व्यंजन, चार नियम पढ़ चुके थे। पांचवा नियम बता रहा हूं, वो त और द के संबंध में। पांचवा नियम त और द के संबंध में। बहुत हम छोटे छोटे फॉर्मूला बना करके और काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, त और द, इस पे कोई दो तीन नियम है। त और द के बाद में यदि च या छ आए, क्या आए, त और द के बाद में यदि च और छ आए, तो ये जो त या द है वो क्या बन जाता है, वो च बन जाता है। ये एक ही नियम है, लेकिन ये चार तरीकों से है, हमें देखना है इसे। अगर त और द के बाद में च अथवा छ आ जाता है, तो त अथवा द के स्थान पे किसको करते हैं, च को करते हैं, एक बात। दूसरी बात इसी में है, अलग कलर से लिखता हूं, कि त अथवा द के बाद में इसका तीसरा अक्षर कौन सा, ज, ज या झ आए, तो ये त और द किस में बदल जाते हैं, ज में बदलता है। नियम एक ही है, लेकिन चार तरीकों से, पांच तरीकों से इसको देखना पड़ेगा आपको। दो तरीके हो गए। फिर तीसरा जो मैं लिख रहा हूं, तीसरा कि त और द के बाद में यदि ट या ठ आए, ट अथवा ठ आए, तो इस त अथवा द के स्थान पर ट हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ट हो जाता है। ठीक है सर। अगर इसी त अथवा द के बाद प्लस में ड अथवा ढ आए, तो इस त और द को ड हो जाता है। चार नियम। अगर पांचवा बोल रहा हूं, अगर इस त और द के बाद में प्लस के जाके ल आए, तो इस त और द के स्थान पे ल हो जाता है। ध्यान से देखना मित्रों, और ये जो पांच सिचुएशन है, पांच स्थितियां हैं, एक ही संधि में है, एक ही नियम में है, बावजूद पांच तरीके का नियम इस एक नियम में पड़ा हुआ है। आपको गौर से, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको देखना है। तो सबसे पहले देख रहा हूं च कैसे होता है। देखिए, प्लस के बाद में यदि च छ दिखे और इधर आपको त अथवा द दिखे, पहला उदाहरण कर रहा हूं, देखिए आपके सामने, पहला उदाहरण आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, पहला उदाहरण,
उद प्लस या योग या धन कह लीजिए चारण, उद प्लस चारण क्या है इधर सर च है, ये च है, इधर त या द तो द दिखाई पड़ रहा है, द किस में चेंज होना चाहिए च में होना चाहिए, क्या बन जाएगा सर उच्चारण। कोई दिक्कत नहीं सर, लग तो नहीं रहा कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। छ का उदाहरण और देख लीजिए, नंबर दो, जगत योग छाया, जगत योग छाया क्या बनना चाहिए त का च बनना चाहिए, क्या बनेगा जगत छाया, ठीक है। त और द के बाद में च और छ आए तो इस त और द को क्या हो जाता है च हो जाता है। एक बात हो गई पूरी, ये एक हो गया, दूसरा हमने क्या लिखा था ज और झ, त द के बाद में ज और झ आए। अगर आपको लगता हो ज और झ कहीं पर भी देखने को आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस ज और झ के स्थान पे ज करना है। दिखाओ, दिखाइए सर इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण देखिए, मैं दो नंबर लिख रहा हूं, ये अपना दो नंबर लो, ये अपना एक नंबर लीजिए, ये अपना दो गया ना, ये अपना तीन नंबर लीजिए, ये अपना चार नंबर लीजिए और ये अपना पांच नंबर लीजिए, ठीक है। तो ये एक का दूसरा उदाहरण कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इस एक का उदाहरण नंबर ये दो, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं अपने दूसरे नियम को लागू कर रहे हैं, दूसरा नियम हमारा, इस दूसरे नियम को लागू करते हुए हम इसका उदाहरण देख रहे हैं, त द के बाद में ज, तो ये हमारा उ, ये हमारा द उद, और आगे हमने कर दिया ज्वल, ज्वल उद ज्वल क्या बनेगा दोस्तों, बनेगा सर उज्ज्वल, क्या बनेगा, अब जय आया ना इधर देखिए ज, ये जय आने से इसको क्या द त और द को किस में चेंज करेंगे ज में, अपने पास द है तो इसको क्या करेंगे आप ज बना लेंगे, क्या बनेगा ये उ आधा ज फिर आधा ज फिर व और फिर ल उज्ज्वल। ध्यान रखना इसको लिपि में लिखना शब्द शुद्धि में भी आ जाता उज्ज्वल, लोग क्या करते हैं उ आधा ज फिर क्या करते हैं कि वो आदमी को, क्योंकि हमें एक आदत पड़ी हुई है कि एक आधा लिखने के बाद दूसरा तो पूरा करते ही हैं, तो हम वहां पर अंदाजा लगा लेते हैं और अंदाजे से दवाई गलत लग जाती है, ऐसा काम नहीं करिएगा, अंदाजे से दवाई नहीं दीजिएगा। तो दोनों ही ज आधे हैं, उज्ज्वल वहां पर बन गया है, कोई दिक्कत आई कहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर अभी तक तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है। इसके तमाम उदाहरण आप वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि नियम पांच हैं, उदाहरण एक एक भी लिखेंगे तो पांच हो जाएगा और दो दो लिखूंगा तो दस हो जाएगा, फिर आगे हमसे बढ़ा नहीं जाएगा, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाद में तो आप कितना ही खोजिए भले उसमें कोई बुराई थोड़ी है, उसमें कोई बुराई नहीं। फिर भी मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं आपको और बताऊं तो बता देता हूं, हमने देखा दूसरा इसका उदाहरण, जैसे सद जन क्या बनेगा ये ज, क्या बनेगा सज्जन, बन गया ना सज्जन, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। फिर देखिए आगे दो उदाहरण हो गए, फिर तीसरा हमारा ये ट और ठ वाला उदाहरण, ट ठ ठीक, ट और ठ वाला उदाहरण, चलो लिखूंगा कहां, लेकिन ये आप एक बार स्क्रीनशॉट अपना लीजिए ताकि मैं आगे उसको लिख सकूं, ले लिया ले लिया ले लिया, ठीक है। अब देखिए आप त और द के बाद में, त और द के बाद में यदि ट और ड आए तो
तो इसको किस में परिवर्तित करते हैं? ट में परिवर्तित करते हैं। जैसे सर, जैसे एक उदाहरण तो मैं यही लिख सकता हूं, देखिए ये देखिए, जैसे हमने यहां पर लिख दिया तद प्लस टीका। क्या लिख दिया हमने? तद प्लस टीका। तो क्या होगा इसका? ट बनेगा। बनेगा क्या? तट टीका। बन गया तट टीका, बन गया सर। हमने मान लीजिए यहां लिख दिया बृहत प्लस टीका, बृहत प्लस टीका। क्या बनेगा? बृहत टीका। क्या बन जाएगा ये? बृहत टीका। कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। हो गई बात? कोई दिक्कत आया? नहीं दिक्कत आया। अब देखिए, अब हमारा चौथा जो है ये, ठीक है, चौथा हमारा ये, तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है कि त द के बाद में यदि ड और ढ आए तो उसको किस में बदलते? ड में बदलते। केवल एक उदाहरण लिख रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इसके नीचे ही सब कुछ लिख दिया जाए तो आपको क्या है थोड़ा सा समझ आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, उद प्लस डयन, उद प्लस डयन क्या बनेगा? उड्डयन। क्या बनेगा? उ, ये आधा ड, ये ड, ये य, उड्डयन, ठीक है। उड्डीन भी बनता है, उड्डीन भी बनता है, उद प्लस डीन, उड्डीन, ठीक है। ऐसे उदाहरण बहुत कम आते हैं, ऐसी बात नहीं है। चार बातें हो गई, कहीं कोई दिक्कत आई? नहीं दिक्कत आई सर। अब एक उदाहरण और देख लीजिए उसका, तो अपना ये नियम पूरा हो। देखिए दोस्तों, त और द के बाद में आपको ल देखना है, तो इसके स्थान पे क्या करना है? आपको ल ही करना है। और ये बहुत मोस्ट संधि है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना ही है। क्या सर? उद आया, मान लीजिए आगे कर दिया मैंने लेख, क्या बनेगा सर? उल्लेख बनेगा, उल्लेख बनेगा, बन जाएगा सर। इधर मान लीजिए उद आया, आगे लास लिख दिया, क्या बनेगा साहब? उल्लास बनेगा, क्या बनेगा? उल्लास बनेगा, क्या बनेगा? उल्लास बनेगा सर, ये उल्लास, ठीक है, उल्लास। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। उल्लेख उल्लास बन जाए। ये अपने चार नियम एक नियम में है, पांचवा नियम अपना ये था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करूंगा समझ आ गया होगा। ले लिया? आगे चलिए, नियम नंबर छ, नियम नंबर छ, नियम नंबर छ, छठवां जो अपना नियम है, छठवां जो अपना नियम है, वो नियम भी त द से संबंधित ही है। किससे है? त द से संबंधित है कि त द के बाद में, रोचक है ये काफी, क्योंकि इसमें ढेर सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं त और द में अकेले में, और त द में जब देखने को मिलता है परिवर्तन तो अच्छा लगता है। समझ रहे हैं कि आप देखो इसमें कितना कितना, क्या क्या इसमें गुंजाइश है, क्या क्या इसमें काम हो सकता है, तो एक रुचि रहती है कि हाँ आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो त द के बाद में यदि श आ जाता हो, त द के बाद में यदि श आ जाता हो, तो इस त और द का क्या बन जाता है? च, और इसका बन जाता छ। दो परिवर्तन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक। ठीक,
द का बन जाएगा च, श का बन जाएगा छ। कोई दिक्कत आई? नहीं दिक्कत आई सर। अब मान लीजिए हमने उदाहरण लिखे, ये एक ही नियम है लेकिन ध्यान रखना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें मान लो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जैसे हमने लिखा सद प्लस शास्त्रम, शास्त्रम नहीं सद प्लस शास्त्र, ये संस्कृत से आया हुआ है इसलिए मुझे वो सब याद रह जाता है। सद प्लस शास्त्र तो क्या करेंगे, द की जगह च और इसकी जगह छ, तो क्या हो जाएगा ये स च छा स त्रम, क्या बन जाएगा सच्छास्त्रम। कभी देखे नहीं हो ना, देखे नहीं हो इसीलिए मात खा जाते हो वहां पर, देखे नहीं हो इसीलिए वहां पर मात खा जाते हो। जैसे उद प्लस श्रृंखलम, अब फिर लम बोला गया, उद प्लस श्रृंखल, उद प्लस श्रृंखल, देखिए आपको मालूम ही है आपने संयुक्त व्यंजनों में श और र को मिला के क्या किया था, श्र किया था, और यहाँ भी श्र जो है अपने पास में है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर श्र है, तो आप क्या कर देंगे इसकी जगह बना देना च और इसकी जगह बना देना छ, तो छ पे रह जाएगी फिर मात्रा, ये किस पे लग जाएगी श्री हो जाएगा, ये बिंदु भी इस पे लग जाएगा, अनुस्वार भी इस पे लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा उ, द का हो गया च, श्र का हो गया छ्र, ऊपर हो गया बिंदु यानी अनुस्वार, तो उच्छृंग फिर ख फिर ल, उच्छृंखल। उच्छृंखल जानते हो किसके लिए होता है शब्द यूज, जो आदमी नियम कायदे कानून नहीं मानता हो ना उसको उच्छृंखल बोलते हैं, उसको उच्छृंखल बोलते हैं कि ये क्या है तुम्हारी उच्छृंखलता है, तुम्हारी उच्छृंखलता है मतलब ये तुम्हारा उच्छृंखलपन है, नियम कायदे कानून नहीं मानने वाला स्वभाव है, समझ रहे हो? जी सर समझ रहे हैं। और देखिए एक किताब लिखी हुई है संस्कृत में शूद्रक की, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, तो वो उस किताब में भी क्या है ये आपकी संधि का नियम लगा हुआ है, मृद माने होता है मिट्टी, शक्टिकम यानी शक्टिक माने होती है गाड़ी, शक्टिक माने क्या होती है गाड़ी, इसका मतलब मिट्टी की गाड़ी, वहां पर मिट्टी की गाड़ी कोई ऐसा कोई उन्वान टॉपिक आया हुआ है उसके लिए जो है इसका नाम मृच्छकटिकम बना हुआ, तो आप खुद देख लीजिए मृद द के साथ च आ जाएगा, श के साथ छ आ जाएगा, तो आप खुद देखिए, तो आप खुद देखिए इसे कि ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ये दोबारा ही लिखना पड़ेगा क्या, लीजिए ये क्या बन रहा है छ आ गया, तो ये क्या बन जाएगा फिर अपना मृ द के साथ च, इसके साथ छ, फिर आगे क, फिर टी और क, मृच्छकटिक। माने अब सोच नहीं सकते हम कि यार मृच्छकटिक ऐसा कोई ग्रंथ होगा जिसमें मृच्छकटिकम, अब जिस आदमी को संधि आता है वो तो कर लेगा मृद शक्टिक माने मिट्टी की गाड़ी है ना, तो अब जैसे मान लीजिए संस्कृत में उच्छवास होते हैं, जैसे डिवाइडेशन होता है ना ग्रंथों का वैसे, तो उच्छवास होता है वहां, तो वहां पर देखिए उद आगे हमने कर लिया श्वास, तो क्या बनेगा दोस्तों उ, इसका बन जाएगा च, ये हो जाएगा छ, ये हो जाएगा वा, ये श, क्या बनेगा उच्छवास। कोई दिक्कत? सीधा सीधा काम है यार, क्यों दिक्कत होगी। जैसे शरद ऋतु है, शरद शरद ऋतु का जैसे चंद्रमा हो समझ लीजिए, उस आपको मालूम ये चंद्रमा को शशि भी कहते हैं, जी सर मालूम है, तो शशि कर दिया, अब क्या बन जाएगा ये श र, ये बन जाएगा च, ये बन जाएगा छ, ये हो गया शी, शरद शशि। आप इस शब्द को पढ़ करके कभी अनुमान लगा सकते हैं कि इसका अर्थ शरद ऋतु का चंद्रमा होगा? नहीं लगाया जा सकता ना। सबसे पहली बात तो हम इन सब वर्ड्स को छोड़कर ही चले जाते हैं, हाँ
छूट गई छोड़ यार, क्या है, अपने अपने वश का काम नहीं है। लेकिन संधियां पढ़ने के बाद में यह सब कुछ क्लियर हो जाता है। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ू फिर मैं। हो गया काम? हाँ, चार पांच उदाहरण ठीक हैं सबके। एक शायद कौन से तो एग्जाम में एक आया हुआ उदाहरण था, उद प्लस शिष्ट, ये आया हुआ था। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा फिर? उ का उ ये हो जाएगा च, ये होगा छी। अब छी जैसे ही होगा तो ये मात्रा कहाँ से? इधर से आएगी, ये बनेगा उच्छिष्ट। ठीक है, दोबारा लिख सकता हूँ इसको मैं, उ ये आ गया इधर, च ये आ जाएगा छ, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का मतलब होता है जूठा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे? जी सर बढ़िए। अब आगे देखिए, हमें त और द का एक एक प्रयोग और मिलता है हिंदी में, वो देखिएगा। त और द के बाद में यदि क्या आ जाए, यदि यदि ह आ जाए, क्या आ जाए? ह। त और द के बाद में यदि ह आ जाए तो इस ह को जो है, इस द को तो द ही रखते हैं, ये द तो द ही रहता है, इस ह को जो है ना ध में बदल दिया जाता है। ये नियम नंबर अपना कौन सा हो गया? कौन सा नियम हो गया अपना? ये छह नंबर, सात नंबर नियम हो गया अपना। ये कौन सा नियम हो गया अपना? नियम नंबर सात। त द के बाद में यदि ह आता है तो इस त और द को तो द रखा जाता है, इस ह के स्थान पे ध हो जाया करता है। ये भी बहुत मॉस्ट संधि है, इसमें से प्रश्न लिए जाते हैं, भले ही वो हिंदी हो भले ही वो संस्कृत हो। इसके उदाहरण देखेंगे हम, जैसे उद प्लस या योग हार, उद प्लस हार। ठीक, अब ये द है तो द रहेगा, इसको किस में चेंज कर देंगे? ध में। ये धार है आगे, तो ये क्या बन जाएगा? उद्धार। बहुत स्पेस हो गया ना बीच में, ये क्या बन जाएगा? उद्धार। उधार नहीं, ध्यान रखना, क्या? उधार नहीं, उ द धार, उद्धार। ठीक है, वो आपने प्राय कर कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा, उद्धार। ठीक, लेकिन मानकीकरण जो हिंदी है ना, स्टैंडर्ड हिंदी अब जो, वो इसको सही मानती है, ये ध्यान रखना। जैसे वृद्धि लिखते हैं ना, वृद्धि लिखते हैं, मान लीजिए वृद्धि संधि लिखते हैं, तो हम ऐसे वृद्धि लिख देते हैं ना, हिंदी में इसको ठीक नहीं माना गया है, इसको ठीक माना है उन्होंने। हाँ, यदि अपने भी मान लो सिलेबस में या कहीं पर ऐसी लिखी, ऐसा मान लीजिए वृद्धि ऐसा लिखा गया हो यदि, तो उसको ठीक कर लेना, वृद्धि इसको ही सही मानते। सिद्धि, सी छोटा आधा द और धी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ आया? उद्धार, जैसे मान लीजिए पद योग हति, पद योग हति क्या बनेगा? प का प, द का ध, ये हो जाएगा ध, क्या बन जाएगा? पद्धति। जिसको आपने कैसा लिखा हुआ देखा है, ऐसा लिखा हुआ देखा है, ये पद्धति। लेकिन ये गलत है, ये सही है, मैं ये लिखूंगा ही नहीं तो आप क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको परिचय देने के लिए लिख रहा हूं केवल, कि ये चीज है। आप सोचेंगे कि यार ये क्या नया आ गया, नहीं क्या? वो नहीं लगना चाहिए आपको, कहीं वो लग जाए कि यार ये क्या आ गया, नहीं? ठीक है, हाँ, कई बार जैसे जिस आदमी ने ऐसा देखा हो वो इसको गैस नहीं कर पाता कि ये वो पता ही नहीं लगा पाता है, उसको जज ही नहीं कर पाता कि ये ठीक है क्या, या उसके वो सिमिलरिटी भी नहीं मिलती है, क्योंकि उसके ध नीचे लगा हुआ है। कई कई लोगों को तो यही नहीं मालूम होता है कि नीचे जो लगा हुआ होता है वो पूरा होता है, ना कि जो बड़ा दिख रहा है वो पूरा होता है। जो वर्ड नीचे लगे हुए आते थे, जिनको आपने पहले पढ़ा हुआ था, वो सब क्या हैं? वो सब नीचे लगने वाले वर्ड जो थे वो पूरे थे। हाँ, जैसे जैसे उद प्लस
हरित, हरी है और त, हरी है ये, री वर्ड, री लगा हुआ इसके नीचे, ह ये री त, ठीक है, उद प्लस रित, तो क्या बनेगा ये, है ना, है के नीचे री है ना, तो ये ह ध बन जाएगा, ध के नीचे री लग जाएगी, तो ये उद, उद तो पड़ा हुआ है ही, तो उद्धृत ऐसे हो जाए, उद्धृत, जिसको अब मैं नहीं लिखूंगा, वो क्या पता आपके दिमाग में रह जाए, आप उसको लिखे आए वैसा तो ठीक नहीं लगेगा, ठीक है, तो उद्धार पद्धति उद्धृत, ऐसे तद्धित भी बनता है, तद्धित हम जब प्रत्यय पढ़ेंगे ना आगे तो तद्धित प्रत्यय आएंगे, तो तद प्लस हित, तद प्लस हित क्या बनेगा, त का त द वैसा ही, इसका बन जाएगा धी और ये त, क्या बन गया, तद्धित, लिख लीजिए दोस्तों या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, सात नंबर का ये नियम अपना पूरा हुआ, तो त त त और द के ऊपर कितने नियम हो गए, नहीं क्या, तीन तो आज ही हो गए, और एक में फिर वो चार पांच नियम पड़े हुए हैं एक में, ठीक। अब देखिए मैं आपको व्यंजन की एक संधि में प्रवेश कराना चाह रहा हूं, वो है आगम, क्या है वो, आगम नियम नंबर अपना आठ का, आठ नंबर, आगम किसको कहते हैं आपको मालूम है, आपको पता है कि प्लस के इधर वाला और इधर वाला वर्ण दोनों क्या होते हैं, संधि के पात्र होते हैं, ये पिछली क्लास में भी हमारी बात हुई थी कि दोनों ये संधि के पात्र होते हैं, मतलब इनको मिलकर के संधि होती है, तो इनके बीच में किसी वर्ण का आगम होना, वर्ण का आना, इन दोनों के बीच में किसी वर्ण का आना हो तो उसको आगम कहते हैं, ये दोनों तो अपनी जगह पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच में कोई नया आ जाना उसको कहते हैं आगम, ठीक है, तो हम आगम पढ़ेंगे, देखिए नियम नंबर आठ में आगम पढ़ रहे हैं, वो भी किसका आगम, च का आगम, किसका आगम, च का आगम, च ये, ठीक है, च का आगम कैसे, क्या कहता है फॉर्मूला, कि स्वर के बाद में यदि, स्वर के बाद में यदि, स्वर के बाद में यदि छ आता हो, क्या आता हो, छ, स्वर के बाद में यदि छ आता हो, तो स्वर के बाद में छ आने पर इसके बीच में च का आगम होता है, मतलब इसके बीच में च आ जाता है, बस आगम आगम नहीं लिख रहा, इतना ध्यान रखना बस, कि स्वर हो, स्वर वो दीर्घ भी हो सकते हैं, स्वर हमारे हरस्व भी हो सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, हरस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद में अगर छ आता है, छ आने पर इन दोनों के बीच में च का आगम हो जाया करता है, कैसे सर, ऐसे, जैसे सबसे पहला अपना स्वर कौन सा है, सर अ, तो अ है, तो मान लीजिए हमने एक शब्द हमने प्र, प्र को लिखा उपसर्ग को प्र, और प्र के बाद में हमने लिख दिया छन्न, क्या लिख दिया हमने, छन्न, हन्न नहीं है, छन्न, ठीक, क्या लिख दिया हमने, छन्न, प्र के बाद में हमने लिख दिया छन्न, ये लिख, ठीक है, छन, प्रछन, प्रछन हो गया ना, अब प्र और उस प्र में जो बचा हुआ अ है, प्र में जो लास्ट में अ है, और प्लस के बाद में अपना जो ये छ है, ये संधि का इजाद करने का कार्य कर रहा है, मतलब यहां पर संधि हो सकती है, कौन सी, चागम, यहां च आ जाएगा बीच में, तो ये क्या बन जाएगा, प्र तो था ही, बीच में क्या आ जाएगा, च, और छ अपना पड़ा हुआ ही है, आगे न, प्रछन्न, प्रछन्न का मतलब होता है छुपा हुआ, छुपा हुआ, ठीक है, और एक अर्थ ये भी कहते हैं प्रछन्न का मतलब नहीं छीनने योग्य, नहीं छीनने योग्य, मतलब जिसको कोई छीन ना सके, ठीक है, वो प्रछन्न है, अब ढका हुआ होगा दिखेगा ही नहीं तो कैसे क्या,
आत्मा में किसी के ज्ञान है मान लीजिए, तो वो कैसे कोई उसको ये विद्या के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है। विद्या एक ऐसा धन है जिसको कोई छीन नहीं सकता। मान लीजिए एक शब्द आपको बताता हूँ, पद प्लस छेद, पद प्लस छेद क्या बनेगा? पदच्छेद, पदच्छेद ठीक हो गई बात? कोई दिक्कत हुई नहीं? ये दूसरी इसको अलंत कैसे करें? अलंत नहीं आएगा ये, अ कोई तो करना है, अ कोई करना है, उसको अलंत कर दिया, अ की ही तो बात चल रही है ठीक है। पद प्लस छेद तो क्या बन जाएगा? पदच्छेद। हो गई बात पूरी? जैसे अ उदाहरण हो गया, फिर हमारे पास छोटी ई है, छोटी ई का उदाहरण हमने देखा, परि प्लस छेद, विश्वनाथ की किताब है साहित्य दर्पण, उसमें परिच्छेद हैं, 10 परिच्छेद हैं, तो क्या हो जाएगा ये? इधर ई है, इधर जाके छ, दोनों के बीच में क्या आएगा? च, क्या बनेगा ये? परिच्छेद। आप तो भावी थानेदार हैं, आपको तो संविधान के अकॉर्डिंग काम करना है, और संविधान में क्या है दोस्तों? संविधान में अनुच्छेद है, तो अनु जोड़ छेद क्या बन गया? इसके बीच में आएगा च, क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एक उ आ गया ना अनु, अब मान लीजिए अपने पास स्वर आता है री, तो हमने ये कर दिया इधर इधर मातृ मातृ छाया, क्या आ जाएगा बीच में? मातृच्छाया। ऐसे पितृछाया भी हो सकता है, मातृछाया तो पितृछाया भी, पितृ प्लस छाया, पितृ प्लस छाया क्या बनेगा? पितृच्छाया, पितृच्छाया। सर दीर्घ का उदाहरण भी कोई बताओ। बिल्कुल सर, दीर्घ स्वर का उदाहरण देखिए आप, दीर्घ स्वर का उदाहरण मातृ, सॉरी मातृ तो हो गया, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी प्लस ये दीर्घ है ना, ई बड़ा है, क्या बनेगा? लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। कोई दिक्कत नहीं है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसको मिटा दूंगा आपकी सारी समस्या को। मुझे नहीं लगता लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी आपको कोई समस्या रहे, छोटे बच्चे भी इसको पढ़ लेते हैं। निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक दो आगम की बात आ गई है ना, जब आगम संधि पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक दो आगम और बता देता हूँ, फिर जो है आगे जो भी कुछ बच जाएगा वो अगली क्लास में हम देखेंगे ठीक है दोस्तों। अभी तो 33 मिनट की क्लासेज हुई है, 5 मिनट और लग जाए फिर 40 मिनट का सेशन अपना हो जाए। हाँ देखिए, जो आगम की बात आ गई है तो नियम नंबर 9 देखिएगा, नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 अपना कहता है कि यदि, नियम नंबर 9 अपना कह रहा है कि यदि सम उपसर्ग के बाद में, क्या? सम उपसर्ग के बाद में, सम उपसर्ग के बाद में यदि क्री धातु से बने, क्री धातु नहीं समझेंगे आप तो ऐसे समझ लीजिए कृत ऑब्लिक कृति ऑब्लिक करण ऑब्लिक कर्ता ठीक है, हो तो इसके इसके बीच में जो है ना, इनके बीच में दंत्य स, ये स का जो है आगम होता है, दंत्य दंत्य ठीक है, क्या आ जाता है इसकी जगह? दंत्य स आ जाता है, जगह नहीं इसके बीच में आ जा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? दंत्य स आ जाता है। कब? जब सम उपसर्ग हो आगे जाके, या तो कृत हो या कृति हो या करण हो
या फिर कर्ता हो तो क्या हो जाता है, दिया हुआ तो वहां ऐसे है कि सम उपसर्ग के बाद में यदि कृ धातु से बने हुए शब्द हो तो वहां पर जो है बीच में दंत सकार का आगम हो जाता है, लेकिन मैंने वो कृ धातु का आपका झमेला ही मिटा दिया क्योंकि आपने क्या कृ धातु कभी पढ़ी होंगी, तो इसीलिए ये मैंने लिख दिया कृतः, कृति, करण और कर्ता। तो अब देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए आपके पास में सम उपसर्ग है और आगे मान लीजिए कृत शब्द आ गया, आ गया, तो आपको ये तो मालूम ही है कि इस म को अनुस्वार होता है, ये तो आप अनुस्वार में पढ़ ही चुके हैं, तो बीच में आप क्या लेके आएंगे, ये स लेके आएंगे, ठीक है, इसका अनुस्वार बन जाएगा, तो ये अनुस्वार ऊपर गया अपना, बीच में ये स है ही, आगे ये क्री हो गया, आगे ये त हो गया, संस्कृत बन गया। अब आपको कोई कह दे संस्कृत में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे व्यंजन संधि है, ठीक है, हो गई बात, हो गई सर। और उसके बाद में आपने किया ये कृति है ना, जैसे जैसे सम प्लस कृति है, यहाँ बीच में स का आगम हो जाएगा, ये अनुस्वार बना अपना, क्या बनेगा, संस्कृति। अब संस्कृति का आपको संधि पीछे पूछ ले तो आप कहें सम प्लस कृति, लोग कहेंगे भैया स कहाँ गया, तो उसको कहिए भैया स का यहाँ पर आगम होगा, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, संस्करण, इससे संस्करण बनेगा ना, जी सर, संस्करण संधि क्या बनेगी, सम प्लस करण, संधि विच्छेद हो गया, संस्कर्ता भी बनता है, संस्कर्ता, ये तो संस्कृत में फेमस है संस्कर्ता, तो ठीक, संस्कार भी बनता है दोस्तों, यहां पर आप कार भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो सम प्लस कार क्या बनेगा, संस्कार, ध्यान रखना ये क्या है, ये फेमस है, फेमस है, पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा जो है एक आपको इसी नियम में दसवां नियम और बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट उतारें, उतार लिया, उतार लिया, इसके जैसा ही है, आपको कोई जोर नहीं आने वाला है, हम इसी को मिटा देते हैं, देखिए कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, यही शब्द दिखेंगे वहां पर, केवल चेंज इतना सा ही होगा कि ये सम उपसर्ग की जगह अब क्या हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग की जगह परि उपसर्ग हो जाएगा, ये लो साहब नियम नंबर भी अपना हट करके कौन सा हो जाएगा, दसवां नियम हो जाएगा, दसवां नियम। अब देखिए दोस्तों, अब वो क्या कहता है, ये नियम कहता है कि यदि परि उपसर्ग के बाद में यदि कृत, परि उपसर्ग के बाद कृत, कृति, करण, कर्ता, कार आए, तो यहां पर मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य श, आपने उच्चारण स्थान पढ़ा था, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो क्या होता है, मूर्धन्य स का आगम होता है, कैसे, जैसे परि प्लस कृत क्या बनेगा, परिष्कृत बनेगा, परि प्लस कृति क्या बनेगा, परिष्कृति, परि प्लस करण क्या बनेगा, परिष्करण, परिस परि प्लस कर्ता क्या बनेगा, परिष्कर्ता, परिष्कर्ता, ठीक है दोस्तों, और ये तो फेमस है ही, आपको पता है परि प्लस कार, परिष्कार, परिष्कार, ये लो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हो गया, हो गया। तो दस हम जो है व्यंजन संधि के हमने 10 नियम पढ़ लिए हैं, आशा करूंगा कि आपको ये बखूबी समझ आया होगा, नहीं समझ आए तो बार बार देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को, अपनी राय बना करके लिखिए, मैं आपकी राय को राय ही कहूंगा, क्योंकि आप वहां कहेंगे सर ये हमें समझ नहीं आया, इसको थोड़ा सरल करके बताइए,
तो ये मेरे लिए एक राय होगी आपको, और आपके सवाल को सुलझाने में मुझको अच्छा महसूस होगा। अगले उदाहरण के साथ मैं सोच रहा हूं कि एक लास्ट व्यंजन संधि की ओर बनेगी, हालांकि मैंने तो बहुत सस्ते में निपटाया है इसको और सरल करने की कोशिश की है। एक लास्ट व्यंजन संधि की ओर बनेगी, तो 11वें नियम के साथ पुनः आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।